नमस्कार दोस्तों, जहां लोगों के पाप नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथाएं होती हैं, वहां सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहां विष्णु कथा रूपी पुण्यमयी नदी बहती है, उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति उनके हाथों में ही होती है। वैशाख मास की एक पावन कथा मैं आज आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। वैशाख मास की कई कथा कहानियाँ मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, ज़रूर सुनिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए कथा को शुरू करते हैं। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरयशा नामक एक राजा रहा करता था, जो पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा भूर्यशा के पुत्र थे। पिता के मरने के पश्चात पुरयशा राज सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, श्रुता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुविद्या में श्रेष्ठ थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी, घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्य का अंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरयशा को निर्बल देखकर उनके शत्रुओं में आक्रमण किया और युद्ध में उन्हें परास्त किया और युद्ध जीत लिया। तदुपरांत पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखिनी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी और सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरे यह क्या अवस्था हो गई। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त हूँ, उदार ब्राह्मणों का सेवक हूँ, धर्म परायण हूँ, सब प्राणियों के प्रति दयालु हूँ, देव पूजक और जितेंद्र भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई, किस कर्म से मेरे पराजय हुई और किस कर्म के फल स्वरूप मुझे यह वनवास मिला है। इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न चित्त से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनि श्रेष्ठ याज्ञा राजा और उपराज का स्मरण किया। राजा के आवाहन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनिवर वहां पर आए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश साहबा सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाले शुभ सामग्रियों द्वारा उन्हें उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, विप्रजनों में गुरु चरणों में भक्त रखने वाला हूँ और मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता, कोष हानि और शत्रुता प्राप्त हुई है, किस कारण से मेरे वनवास हुआ, मुझे अकेले रहना पड़ा, मेरे ना कोई पुत्र है, ना भाई है और ना ही हितकारी मित्र हैं, मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ा, ये सब आप विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनिवर कुछ देर ध्यानमग्न हो गए और बोले, राजन, तुम पहले 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेश मात्र धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्र संगन, इंद्राणियों के संगन और मनोनिग्रह का तुमने सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जीवा किसी प्रकार से भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के चारों चरणावंदों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक निवारण नहीं किया, कभी अपना सिर नहीं झुकाया। इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सहाय पर्वत पर पुनः व्याध हुए। वहां सब लोगों के प्रति
क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे, दयाहीन थे, शास्त्र रजीवी थे और हिंसा परायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे, बड़े भारी शठ दुष्ट थे। इस प्रकार अपने हित को न जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे मृग और पक्षियों का वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र नहीं हुआ और तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारे कोई सहयोग नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई भाई है, ना ही कोई तुम्हारा मित्र है। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई। कभी दान ना देने के कारण दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई। तुमने दूसरों को सदा उदेह में डाला, इसलिए तुम्हारे दुख वनवास मिला, जिसके कारण अप्रिय होने के कारण तुम्हें असह दुख मिला। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में हुआ राज्य भी छीन लिया गया। वैशाख मास की गर्मी में तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश के पत्ते दे दिए थे। बस जीवन में इस एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा यह जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ और अब यही तुम सुख राज्य धन संपत्ति स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो। यदि तो सायुज एवं श्री हरि विष्णु की अभिलाषा रखते हो तो वैशाख मास का धर्म का पालन करो। इस समय वैशाख मास चल रहा है, आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्ठा कर्म भाव से धर्म का अनुष्ठान करोगे तो अंतकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। यों कहकर राजा की अनुमति लेकर उसके दोनों ब्राह्मण पुरोहित राज याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरयशा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का शुद्धता पवित्रता और पूर्णता पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया और बंधु बांधवों उनसे आकर मिले। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना के साथ ले बंधुओं सहित पांचाल नगरी में समीप आए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संगमन हुआ। महारथी पुरुषा ने अकेले ही समस्त बाहुबल राजाओं पर विजय पाई। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्ग का आश्रय लिया। विजयी पांचाल राजा ने भोगे हुए राजाओं के कोष 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट, 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में ले लिया और अपनी पूरी नगरी में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महत्व से सब राजा विघ्न मनोरथ हो उठे और उनका एक चित राजा से हुआ। गुरुता उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, धनुकृति, घत केतु, धत घुमनन, विजय और चतुर केतु के नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्म पूर्वक प्रतिपालित और होने से संपूर्ण प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। इससे उसी क्षण वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राजा भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। इसी तरह प्रेम से मन से भगवान नाम जप करते रहो।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये कथा कैसी लगी? इसका अगला भाग मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, वो ज़रूर सुनिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।